नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं करनाल से केसी आ रही है। आज सर छोटू राम जी की जो जयंती है बसंत पंचमी के दिन मनाई जा रही है। यहां पर किसान नेता आए हैं, किसानों द्वारा माल्यार्पण किया गया। हमारे साथ हैं श्री ओलख जी हैं यहां पर और चहल जी हैं, उनसे जानते हैं सर आज जयंती है, क्या कहेंगे? आज चौधरी छोटू राम जी की जो हमारे किसान मसीहा हैं उनकी जयंती पर हम करनाल में इकट्ठा हुए हैं और पुष्प मालाएँ डाली हैं और उनका आशीर्वाद लिया है। हम बताना चाहेंगे आज जो हम किसान आंदोलन से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मंडियों को बचाने की, फसलों के रेट बचाने की, ये मंडियां हमें आज उन्हीं की देन है। उन्होंने 1938-39 में जब वो मंत्री थे, अंग्रेजों का राज था, उस समय में उन्होंने मंडी बोर्ड की स्थापना करवा के संयुक्त पंजाब में जो अब हरियाणा पंजाब इसमें मंडियां स्थापित कराई थी। आज 82 साल हो गए हैं, आज की सरकारें ये तानाशाही सरकारें उन्हीं मंडियों को तोड़ने के लिए और ख़त्म करने के लिए चल रही हैं। आज उनके द्वारा ये मंडियाँ का जो सिस्टम बनाया गया आज वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने अपने बोले वाले किसानों के लिए बोला था भाई किसानों एक तो अपना दुश्मन पहचान लो और दूसरा बोलना सीख लो। आज ये जो इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए और तभी उनकी विचारधारा पे चले हैं। हमने अपने दुश्मन भी पहचाने हैं जो हमारे दुश्मन है किसानी के और किसान कौम के, और आज हम इस लड़ाई को हमें पूर्ण विश्वास है हम उनके विचारधारा पर चलते हुए इस लड़ाई को एक दिन जीत के वापस आएंगे। सर क्या कहेंगे, आज बसंत पंचमी का दिन है, सर छोटू राम की जयंती पर माल्यार्पण किया। आज सर छोटू राम जी का जन्मदिन है, वह जन्मदिन इनका नवंबर में होता है, लेकिन हर साल ही बसंत पंचमी पर इनका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि सर साहब ने किसान और मजदूर के लिए काम किया और एक उनके जीवन में नई बसंत लाए, इसलिए बसंत पंचमी पर इनका जन्मदिन मनाते हैं। इन्होंने वो ऐसा समय था जिस टाइम मजदूर और किसान सभी कर्जे से दबे हुए थे, ऐसे समय में इन्होंने राजनीति में आए और महापंजाब था उस टाइम, तो इन्होंने कृषि मंत्री बने और ऐसे ऐसे कानून बनवाए ताकि ये किसान जो साहूकार है वो इनकी बैलगड्डी ना कुड़क कर सके, इनकी ज़मीन नहीं कुड़क कर सके। जो साहूकारों की भैयों माँ हमारे अनपढ़ बुजुर्गों के गुंठे लगे थे ऋण के ऊपर, वो सारे इन्होंने भैया पढ़वा दी और किसान को एक बार थोड़ा आज़ादी की तरफ दौड़ाया, मंडीकरण कराया। आज जो ये फिर तानाशाही सरकार आई, ये मंडीकरण ख़त्म करने जा रही, फिर किसानों के ऊपर कर्ज का एक बोझ हो गया। आज फिर इनकी छोटू राम के विचार मंच की उन्हीं विचारों को लेकर किसान आंदोलन करे ताकि फिर किसान एक बार इस कर्जे से उभरे और अपनी फसलों के पूरे दाम ले और मंडीकरण बना रहे, इसलिए आंदोलन चल रहा है। ये थे किसान नेता जिनका कहना है कि किसान नेता थे सर छोटू राम और किसानों के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उनका जो बलिदान रहा, उनके जो आज उन्हीं के ऊपर चलते हैं, उनके द्वारा बताई गई सीख पर चलते हैं, किसानों ने उनको माल्यार्पण किया। आज बसंत पंचमी के दिन उनका जो है जयंती जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसी को लेकर यहां पर उनको माल्यार्पण किया है। करनाल से केसी आ रही है, पंजाब केसरी टीवी।